भारत में रेलगाड़ियों को परिवहन का मुख्य साधन माना जाता है। जब हम कभी रेल की पटरियों को देखते हैं तो पाते हैं कि रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरियों के बीच और इसके दोनों किनारों पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को इनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने लगभग 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इस प्रकार ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगारदाताओं में भी एक है। भारतीय रेलवे के पास आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मार्च 2017 तक यहाँ पर ट्रैक की कुल लंबाई 121,407 किलोमीटर थी। तो आइए अब जानते हैं कि रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। शुरुआती दौर में रेलवे ट्रैक का निर्माण इस्पात और लकड़ी के पटरों की मदद से किया जाता था, लेकिन आज के समय में लकड़ी और पटरों के बदले सीमेंट की आयताकार सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। वास्तव में रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ी के पटरों या सीमेंट की सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखना है, ताकि ये सिल्लियां रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़े रहें। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उसे जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज धूप से पटरियां फैलती है और सर्दियों में सिकुड़ती रहती है। इससे ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है, लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना, ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाते हैं। इसके साथ ही रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है कि जब रेलवे ट्रैक से होकर भारी भरकम ट्रेन गुजरे तो उसके भार का संतुलन बना रहे और जमीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी आसानी से बह जाता है और रेल की पटरियों के बीच और उसके दोनों ओर कीचड़ नहीं होता है। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से ध्वनि प्रदूषण से भी बचाव हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यदि पत्थर नहीं बिछाई जाती है तो रेलवे पटरी के आसपास झाड़ियाँ उग जाएंगी, जिससे ट्रेन को गुजरने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।